ये लीजिए माँ। बस गरुड़, अब और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। जानते हो गरुड़, व्रत में ना कंदमूल जैसे लौकी, शकरकंद और शिंगाड़े के आटे से बना हुआ अन्न, ऐसा हल्का फुल्का भोजन किया जाता है, और वो भी दूध के साथ। प्रभु, प्रभु आपने कष्ट क्यों किया? मुझे आदेश देते थे, मैं ले आता। यदि तुम ले आते तो मैं गौ सेवा के सुख से वंचित रह जाता। नहीं गुरु, गौ माता को अपने हाथों से सहलाक, उन्हें पुचकार कर, उनकी आज्ञा लेकर दूध धोने में जो आनंद आता है, किस अवसर को मैं अपने हाथ से जाने दूं? ये मेरे लिए संभव ही नहीं है। कृष्ण अवतार में लिए हुए सुख की स्मृति अभी भी आपकी आंखों में दिखाई देती है प्रभु। गरुड़, व्रत के अनुष्ठान के अनुसार स्वयं भोजन करने से पहले सभी को खिलाना होता है। अब एक बार भोजन हो जाए तो सबसे पहले मैं गृहस्वामी और गृहस्वामिनी को देकर आऊं। आज तो हमें बहुत आनंद आया, बहुत समय बाद माँ की कथा सुनी हमने। पूरे 12 वर्ष हो गए जी। हम जानते हैं हर नवरात्रि में आपके मन की पीड़ा फिर से उभर कर आ जाती है, परंतु धीरे धीरे इस पीड़ा को मिटाना होगा। कैसे? कैसे भूल जाए उसे जिसे 9 महीने अपने कोख में रखा है, जिसका पालन पोषण न केवल अपने दूध से बल्कि अपने रक्त से किया है, अपने प्राणों से अधिक जिसे प्रेम किया है उसे कैसे भूल जाए जी? आप बतलाइए, क्या आप भूल सकते हैं वो दिन जिस दिन आपके हृदय का अंश आपको और हमें छोड़कर न जाने कहां चला गया? बतलाइए ना, करिएगा ऐसा? माँ, हमें शीघ्र भोजन दीजिए ना, हमको बहुत भूख लगी है। फिर से रसोई में बिना पैर धोए आ गए। कितनी बार मना किए हैं हम आपको? हाँ, हर चीज में मना करती रहती है। बिना पाँव धोए रसोई में ना आए, हलवाई से लेकर मिठाई ना खाए, सूर्यास्त के बाद घर से बाहर ना निकले, केवल आप ही हमें रोक टोक करती रहती है। मावला हो गए आप। आपको कितनी बार समझाए हमने, आप अपनी माँ से इस प्रकार बात ना किया कीजिए। समझ नहीं आती आपको? यदि माँ आपको किसी काम के लिए मना करती है तो आपके भले के लिए ही करती होगी ना। हम अब बड़े हो चुके हैं, आप दोनों हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आती है क्या कि हम अपना भला बुरा समझने के सक्षम हो गए हैं? ठीक है, हमको भी नहीं रहना यहाँ पर। अरे पुत्र रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? कम से कम भोजन तो करके जाइए। डांट खा ली है और भूख नहीं है, हर बात पे रोक टोक करती है, डांटती फटकारती है और फिर प्रेम करने का स्वांग भी करती है। आप बहुत बुरी माँ है, मैंने आपसे बुरी माँ आज तक नहीं देखी। चुप। अरे रहने दीजिए, क्रोध शांत होगा तो लौट आएंगे, ना तो कहां जाएंगे इतने बड़े संसार में। हम भी ना जानते थे कि ना कभी उनका क्रोध शांत होगा और ना कभी वो वापस आएंगे। लीजिए, आप हमें संभलने के लिए कह रहे थे और आप स्वयं ही। पुत्र के जाने के दुख में इन दोनों ने उत्सव मनाना ही छोड़ दिए थे, इसलिए हम यहाँ आए हैं भक्ति पर इनका विश्वास वापस लाने। कभी कभी भक्त की आस्था वापस लाने के लिए भगवान को भी किसी न किसी रूप में आकर प्रयत्न करना पड़ता है। सुनिए बहन जी,
जी आप? वो क्या है ना, हम आप दोनों के लिए प्रसाद लेकर आए थे। ये लीजिए। इस सब की क्या आवश्यकता थी? अरे आवश्यकता तो हमारी थी, जिन्हें आप लोगों ने इतनी सरलता से पूरी कर दी। ये तो केवल स्नेह है। अब आप इतने स्नेह से लाई हैं, तो मैं इसे ले लेती हूँ। आप लोग इसे चख के देख लीजिए ना कि भोजन ठीक बना या नहीं, नमक अधिक है या कम है। वो क्या है ना, इन्हें परोसने से पहले मैं भोजन सुधार लूंगी। जी आप भीतर आइए। सचमुच बहन जी, प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है आप, माँ भगवती की कृपा से। धन्यवाद। आज नींद बहुत अच्छी आएगी। आप दोनों अपनी चिंता माँ पर छोड़ दीजिए, मैं चलती हूँ। जय माँ भगवत। जय माँ भगवत। जय माँ भगवत। मूषक जी, प्रसाद तो केवल बहाना था, मामी श्री के शास्त्री जी के घर जाने का उद्देश्य तो उनके दुखों का कारण जानना था, ताकि वो उनकी सहायता कर सकें। और इसी उद्देश्य से मामा श्री और मामी श्री उन्हें नव दुर्गा की कथा सुना रहे हैं, ताकि उनके सारे दुख दूर हो सकें। मैं तो अपनी माँ से एक पल के लिए भी क्रोधित नहीं रह पाता। वो कैसा पुत्र होगा जो 12 वर्षों तक क्रोधित है? किसी की परिस्थितियां जाने बिन उसके बारे में अपना विचार बना ले या उनके व्यवहार पर अपना निर्णय दे दे, ये उचित नहीं है गर्व। और यदि किसी व्यक्ति से भूल हो जाए और उस भूल को सुधार ले, तो उसे भूला नहीं कहते। और मुझे पूर्ण विश्वास है, श्री माता इस दंपत्ति को कथा सुनने का पुण्य अवश्य देंगी। इन दोनों को अपने पुत्र से अवश्य मिलाएंगी। अभी तक नहीं आए हो? अरे आ गए आप लोग। कल आप कथा ही इतनी सुंदर सुनाए थे बहन जी, कि आज हम दोनों अपने आप को रोक ही नहीं पाए। तो चलिए फिर, बिना विलंब किए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ शैलपुत्री के रूप की कथा सुनते हैं। अर्थ होता है वेद तत्व तपो ब्रह्म, अर्थात वेद तत्व और तप ही ब्रह्म है। और चारिणी का अर्थ होता है चारण, अर्थात आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय है और अत्यंत भव्य। इनके इस रूप के दाएं हाथ में जबकि माला है और बाएं हाथ में कमंडल। माँ, देवी माँ का ये रूप कैसे उजागर हुआ, इसके बारे में विस्तार में बताइए ना। समय के साथ साथ महाराज हिमवंत और महारानी मैना की पुत्री काली चंद्रमा की कलाओं की तरह खिलती जा रही थी
और देखते ही देखते वो बड़ी हो गई। महारानी मैना और महाराज हिमवंत ने शैल पुत्री को बाल्यावस्था से ही अच्छे संस्कार दिए थे, जिनके कारण उनका स्वभाव सुशील हो गया था। महारानी मैना ने छोटे अवस्था से ही उन्हें तरह तरह के व्रत और अनुष्ठान करना सिखाया था, ताकि शैल पुत्री को वो पति की प्राप्ति हो जिनके लिए उनका जन्म हुआ था। उसी समय तारकासुर के बढ़ते हुए आतंक के कारण सभी देवता भी महादेव शिव और शैलपुत्री के मिलन के लिए आतुर थे, और दूसरी ओर शैलपुत्री का संसार उसके महल के भीतर ही सीमित था, और इन्हीं के कारण देवता भी चिंतित थे। आपसे क्या छुपा है देवर्षि? आप हम देवताओं की सारी स्थिति अच्छी तरह जानते हैं। हमारी सारी आशाएं महादेव के पुत्र पर निर्भर है, पर जब तक वो और शैलपुत्री एक दूसरे से भेंट नहीं करेंगे, तब तक महादेव सक्रिय कैसे होंगे? और यदि सक्रिय नहीं हुए तो उनमें प्रेम कैसे होगा, उनका परिणय कैसे होगा, और फिर उन्हें पुत्र कब प्राप्त होगा? कुछ कीजिए महामुनि, उनका मिलन शीघ्र कराने के लिए कोई तो उपाय निकालिए मुनिवर। मैं आपकी दशा समझ रहा हूँ देवराज, मैं पूरा प्रयास करूंगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। साक्षात शिव प्रिय माँ सती का रूप, अर्थात ये संसार फिर से एक बार शिव और शक्ति का मिलन देखने वाला है। आज्ञा दीजिए मुनिवर, आपके चरण प्रखार कर मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हैं देवी आप? मैं तो एक साधारण मुनि हूँ। आप तो महामुनि, मैं तो केवल साधारण सी कन्या हूँ। आपको ज्ञात नहीं है देवी कि आप स्वयं महाशक्ति का रूप हो। आपका आदर सत्कार करके मुझे आनंद भी मिलेगा और आशीर्वाद भी। आज्ञा दीजिए मुनिवर। आपका ये सेवा भाव देखकर मैं धन्य हो गया। आइए मुनिवर। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप मुझे आशीर्वाद दे रही हैं या फिर मेरी कामना को फलीभूत होने की शक्ति प्रदान करके पूरे जगत को आशीर्वाद दे रही है, परंतु मेरी कामना है आपका विवाह उन्हीं के साथ हो जिन्हें पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा समय आपके हृदय में सहज रूप से प्रकट करे, जिनके लिए आपके हृदय में भाव अपने आप उत्पन्न हो। नारायण नारायण। आइए मुनिवर।
मैं पर्वतों का राजा हूँ। दूर दूर से ऋषि मुनि मेरे पर्वतों पर आकर तपस्या करते हैं। उनके आतिथ्य और उनकी सुरक्षा का दायित्व मुझ पर है, किंतु फिर भी तारकासुर के आतंक से मैं उनकी रक्षा करने में असमर्थ हूं, और यही मेरे हृदय में दुख का सबसे बड़ा कारण है। सारी सीमाएं पार कर दी थी प्रभु। हर पापी की तरह तारकासुर भी अपने पाप का घड़ा भर रहा था, किंतु नियति ने उसके पतन की योजना पूर्व में ही निर्धारित कर ली थी। मैं जानता हूँ आपके सामर्थ्य में जो भी होगा उन ऋषि मुनियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए वो सब आप अवश्य करेंगे, और मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास है। परंतु आज मैं इस बात पर विचार करने नहीं आया हूँ। श्री नारायण की कृपा से मेरे मन में शैल पुत्री के विवाह को लेकर विचार आया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो। आप मुनिवर हैं, देव ऋषि हैं, उससे कुछ कहने के लिए आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं। आपके ही राज्य में इस महल के निकट एक गुफा है, और उस गुफा में एक दिव्य योगी समाधि लिए बैठे हैं। यदि आप अपनी पुत्री को उनकी सेवा में समर्पित करें तो उसका कल्याण अवश्य होगा। नारायण नारायण। नारद के सुझावों के पश्चात संसार की सबसे सुंदर मिलन का आरंभ हो गया है। देवी सती के आत्मदहन के पश्चात शिव और पार्वती के मिलन को देखने हेतु समस्त संसार उत्सुक है। फूल जैसी कोमल है वो, आज तक एक पल के लिए भी कभी मुझसे दूर नहीं रही है। संसार की विषमताओं को भी नहीं समझती है वो, और आप अभी से इस अल्प अवस्था में ही किसी सन्यासी की सेवा के लिए निर्जन गुफा में भेजने को तैयार हो गए उसे। मेरे हृदय का अभिन्न अंग है वो, किंतु ये बताने में भी आप असमर्थ है कि पार्वती को कब तक उन सन्यासी की सेवा करती रहनी पड़ेगी। अगर इस बीच हमारी पार्वती से कोई भूल हो गई तो? नहीं होगी, हमने अपनी पुत्री को उचित संस्कार दिए हैं महाराज। मुझे अपनी शिक्षा और आपके पालन पोषण पर पूर्ण विश्वास है। जीवन में योग्य बनने के लिए हमारी पार्वती को ऐसी परीक्षाओं का सामना करना ही चाहिए। हम माँ बाप कब तक उसके साथ रहेंगे? हमेशा तो साथ नहीं रह सकते ना। हमें उसे योग्य बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत करना है। और फिर महारानी, कभी कभी कठिन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कठोर निर्णय लेने ही पड़ते हैं। पर महाराज, उसका विवाह? अगर देव ऋषि नारद ने ये निर्णय लिया है तो अवश्य ही उसका कल्याण होगा। और फिर अग्नि में तपकर ही स्वर्ण कंचन बनता है। इस ऋषि की सेवा करने से अवश्य मेरी पुत्री का भी उत्थान होगा, और उसकी शादी शीघ्र ही शिवजी से हो जाएगी। इस कथा के आरंभ होने की प्रतीक्षा मैं भी आतुरता से कर रहा था। मेरे माता पिता के मिलन तथा तारकासुर के वध की कथा अति रोचक है मूषक जी। आपको भी अत्यधिक आनंद आएगा इस कथा को सुनने में। और इस कथा में गरुण के लिए भी एक अति महत्वपूर्ण सीख छिपी है, जो से मामा श्री का वाहन बनने में उसकी सहायता करेगी। हाँ।
हा।